ऐतिहासिक महत्व के कारण खास बन जाते हैं। इन्हीं में से एक मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर भी है। इस मंदिर की खासियत यहाँ मौजूद भगवान शिव और माता पार्वती की अद्भुत प्रतिमा है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती की जो प्रतिमा है वैसा दुनिया में कहीं और नहीं है। खास ये भी है कि इस मंदिर के कपाट सालों भर बंद रहते हैं और केवल नागपंचमी के दिन ही खुलते हैं। इसीलिए नागपंचमी के दिन यहाँ भगवान के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ लगती है। आइए जानते हैं आखिर क्यों साल में एक बार इस मंदिर के कपाट खुलते हैं और क्या है यहाँ स्थापित भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा की खासियत। यह मंदिर उज्जैन में स्थित भगवान शिव के महाकालेश्वर मंदिर के प्रांगण में ही स्थित है और इसके कपाट साल में केवल एक बार नागपंचमी के उपलक्ष्य में खुलते हैं। ऐसी मान्यता है कि नागराज तक्षक स्वयं मंदिर में विराजते हैं। नागचंद्रेश्वर मंदिर में प्रवेश करते ही आपको दाईं ओर भगवान नागचंद्रेश्वर की प्रतिमा दिखाई देगी। ये प्रतिमा मराठाकालीन कला का उत्कृष्ट नमूना है। मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथाओं के अनुसार सर्पराज तक्षक ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक समय घोर तपस्या की थी। भगवान शिव इससे प्रसन्न हुए और तक्षक को अमृता का वरदान दिया। इसके बाद से तक्षक ने भगवान शिव के सानिध्य में ही रहना शुरू कर दिया। इसीलिए इस मंदिर में भगवान शिव तक्षक के साथ स्थापित किए गए हैं। मान्यता है कि तक्षक ने यहाँ वास करने से पूर्व इच्छा जताई कि उनके एकांत में कोई विघ्न न डाले। इसीलिए यह परंपरा है कि यहाँ साल में केवल एक बार नागपंचमी के दिन सर्पराज तक्षक दर्शन देते हैं। इसके अलावा शेष समय में मंदिर बंद रहता है। इस मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती के फन फैलाए नाग पर विराजमान रहने की दुर्लभ प्रतिमा है। कहते हैं कि यह प्रतिमा 11वीं शताब्दी की है और नेपाल से लाई गई है। उज्जैन के अलावा भगवान शिव और माता पार्वती की ऐसी प्रतिमा दुनिया में कहीं और नहीं है। आमतौर पर सर्प की शैया पर भगवान विष्णु की विराजमान होने की तस्वीर हम देखते हैं, लेकिन यहाँ शिव सर्प की शैया पर बैठे नजर आते हैं। इस मंदिर में दशमुखी सर्प शैया पर शिव और माता पार्वती अपने पुत्र गणेश जी के साथ विराजमान है। मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन के बाद कोई भी व्यक्ति सर्प दोष से मुक्त हो जाता है। मंदिर जब साल में एक दिन के लिए खुलता है तो लगभग 2 लाख से भी ज्यादा भक्त यहाँ नागदेव और भगवान शिव सहित माता पार्वती और श्री गणेश जी के दर्शन करते हैं। दोस्तों, अगर आपने नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन किए हैं तो उससे जुड़े सभी अनुभव हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल अद्भुत टीवी इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।